हमसे बैठ लो, हमसे बैठ लो, दूर थक हमसे दूर थक हमसे बोल 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 हमसे कब लगे इतना मैं हमसे लो 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 दे 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 बैठ कम दे सुन कम धर हमसे धर मोबाइल धर मोबाइल धर मोबाइल धर कब लगे दे धर 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 आज यहाँ पे डिफू में मतलब पिजर विजर विक्शन लेके लाठीचार्ज भी हुआ और बहुत प्रदर्शन किया गया, तो उसके जो फायरिंग भी हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर पे देख सकते हैं पुलिस को लेके इविक्शन लेके बहुत ही सिचुएशन थोड़ा खराब हो गया यहाँ पे। दादा की कोई मैंने सिचुएशन तू सिचुएशन पट के बेहद गोल अनकंट्रोल गोल असल पुलिस कंट्रोल करे इतना परिस्थिति अलग भयंकर है से मानु मानु दौड़ी आ पुलिस लाठी चालना कर मृदु लाठी चालना यार जिको धरण घटना संघटित हो पारे इतना गति के सवधान डिफूबी राज बाहर नाब डिफू आमलापतित पिकेटार्स खि रखा दी रखा दूते इतना डाँगर लाठी चालना करा हल गुली चालना करा हल गए बाहर नोल जी पारे सहयोग कर
আরক্ষী সহযোগ করক নুলাব হামলাপতির দিখে মানুষ নাহিব পারিলে লাঠি চালনা হয়েছে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করবলে বাধ্য হল ফিগারসখিনি ইটা ঘুরাই দিব চেষ্টা করে আছে আমলাপতি ফালে নাহিব জীবন পারে আরক্ষী লাঠি চালনা করবলে বাধ্য হয়ে গেল সিচুয়েশন বেয়া হয়ে গেল আনকন্ট্রোল সিচুয়েশন গতি আমলাপতি ফালে ডিফুবাসী নাহিব এই রোড এভয়েড করক কেমেরা পার্সন দেখাই আছে সব কেন পলাইছে গোটাই মানুষ এটা লাঠি চালনা করবার বাধ্য হয়ে গেছে গতি এই রাস্তা এভয়েড করক এঘন্টা দেড় ঘন্টার কারণে এই রাস্তা এভয়েড করক মতলব আজ ইয়াপে বেলে দেখা দেখো আজ ইয়াপে মতলব বিরলা সে লেকে ডিফু কাউন্সিল তক এক র্যালি নিকালনে মতলব পিজার বিজার লেকে ইভিকশন কে লিয়ে ইভিকশন কে লিয়ে উসকে লিয়ে উসকো লেকে জব ইয়া এ আমলাপট্টি মে পৌঁছাতে ইয়া পে মতলব পুলিশ নে অলগ 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 ওয়ে সে জানে কে লিয়ে মানুষ লোগ অলগ ওয়ে সে আয়ে অলগ ওয়ে সে আয়ে বল কে ইয়া পে থোড়া সিচুয়েশন গরম হো গয়া পুলিশ কো फायरिंग भी करना पड़ा सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पे भी अभी भी जो प्रोटेस्टर है वो भाग चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिचुएशन गंभीर होती जा रही है ये है आपका डिफू द हेडक्वार्टर ऑफ कार्बी एंगलोंग आप देख सकते हैं अभी यहाँ जो भी प्रोटेस्टर चलेगा यहाँ एसपी से लेकर डीसी जो भी है सभी बड़ा बड़ा रिपोर्टर लगे सब भी यहाँ पे मतलब जितने भी है वो आ चुके हैं आप यहाँ का सिचुएशन देख सकते हैं एसपी भी है और यहाँ के जो प्रदर्शनी वो चले गए हैं सिचुएशन कितना कंट्रोल में आएगा मतलब देख सकते हैं यहाँ तो सिचुएशन बहुत ही गलत हो रहा है मारपीट नहीं यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही गंभीर होती जा रही है आप देख सकते हैं लाइव में ही देख सकते हैं थोड़ा आगे देख सकते हैं यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो जा रहा है मतलब प्रोटेस्ट को लेकर बहुत ही सिचुएशन बहुत ही गंभीर होती जा रही है यहाँ का आप डिफू के देख सकते हैं ये हेडक्वार्टर है और ये आमलापट्टी रोड है आमलापट्टी रोड में ही ये सिचुएशन चल रही है यहाँ पे देखते हैं सीआरपीएफ से लेके ब्लैक कमांडो भी आए हैं और यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ कि पीजीआर वीजीआर लेके मतलब इविक्शन के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था या इंडिजिनियस पीपल ही ने किया था वो आपका बिरला से रैली स्टार्ट हुआ और आते आते जब ये अमलापट्टी पहुंचा तो यहाँ पे मतलब पुलिस प्रोटेक्शन ने मतलब रोका इन्होंने कि आप अलग दिशा से जाए जो उनका वो नहीं था तो उसको लेके मतलब पुलिस लोग ने फायरिंग भी हुआ थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ तो जो यहाँ जो प्रोटेस्टर है वो अभी अलग अलग जगह पे चले गए हैं अब देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी भी सब आ रही है ये पीजीआर वीजीआर लेके डिफू में जो प्रदर्शन आज था वहाँ पे काफी प्रोटेस्ट वो ना थोड़ा हीटेड हो गया जिसको लेके पुलिस लोग ने भी मतलब अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन पूरा है पब्लिक को अगर हम लोग को बोलने में कुछ भी थोड़ा उतना फ्लिंग नहीं होने से आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा ये आपका लाइव लोकेशन है ये आमलापट्टी रोड जहाँ की आपका बीएसएफ से लेके पुलिस पर्सनल भी हैं हम आपको लाइव दिखा रहे हैं डिफ्यू वॉइस के माध्यम से फिर से आपको बताते हैं कि आज 6 तारीख को मतलब डिफ्यू में एक रैली रखा गया था पीजीआर वीजीआर इविक्शन को इविक्शन पीजीआर वीजीआर इविक्शन लेने के लिए उसी के मुद्दे में आपका बिरला से एक रैली निकाला गया जो कि इंडिजिनियस पीपल ने ही निकाला तो निकालने के वजह फिर रैली आपके आपका बिरला से स्टार्ट होते हुए
डॉन बॉस्को होते हुए आपका यहाँ से फॉरेस्ट ऑफिस के यहाँ से अमलापट्टी घुस गया। यहाँ पे अमलापट्टी का जो यहाँ पे तीन आली है वहीं पे ये पुलिस प्रदर्शन जो है, मतलब उनका परमिशन नहीं था शायद जानने के मुताबिक, मगर पुलिस लोग ने यहाँ पे उनको रोका, वहाँ थोड़ा फायरिंग हुई, थोड़ा लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद से जो भी प्रदर्शनी है वो यहाँ चले गए हैं और जो ब्लैक कमांडो है आपका पुलिस है वो आगे जाते हुए, अब आगे क्या होता आपको दिखाते रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर।